बात थी इसके कि भैया हमला ना करे ना, क्योंकि यार आती है भाई जानवर, ये कोई भरोसा नहीं है। तो जिसको रिस्क लेना उधर को जाएगा, जिसको रिस्क लेना उधर को जाएगा, वो काशीपुर जाएगा। ठीक है, कौन अरे पीछे से पढ़ ले यार। और वो भी हम ऐसी लोकेशन में गाइस जहाँ पे डिकाला जोन, जहाँ पे मैनेटर टाइगर 100% घूम रहा है, और यहाँ पे उस टाइम पे इसका इतना अटैक है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। बाकी आशीष भाई और भाई की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था, देखो दुर्घटना ये तो थोड़ी मजाक की बात है, बट आज हम जा रहे हैं सीरियसली मैनेटर टाइगर की लोकेशन में, और देखते हैं आप देख सकते हो इतनी प्यारी लोकेशन में है ना। अभी हम ये एक रोड जाती है सीधे आगे वो काला डुंगी को, ये जाएगी रामनगर को और ये जाती है काशीपुर को। तो अब हम चलते हैं यहीं से रामनगर की तरफ को, क्योंकि हमने तो देखना भैया बाघ, क्योंकि हमने आए हैं आज बाघ देखने के फिलहाल में, और बाघ देख ही जाएंगे हैं। चलें जल्दी आओ भी रामनगर। देख सकते हो फाइनली हम रामनगर पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बताया था रामनगर 1 किलोमीटर ही है, तो देखो यहाँ पे आ चुका है रामनगर। ये देखो कितनी रोड जाती है यहाँ से, एक सीतामढ़ी को जाती है रोड, यहीं से अभी हम रामनगर जाएंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं मोहन वाले इलाके में जहाँ पे अटैक हुआ था ना बहुत भी। हम जाएंगे उन लोगों से जानकारी लेते हैं। और ये देखो यहाँ पे, अरे यहाँ तो नहा भी रहे हैं यार, तो गर्मी का टाइम चल रहा है यार। देख सकते हो कितना ट्रैफिक हो गया है, आगे पिकअप चल रहा है, जाने देंगे वहाँ को। हाँ हाँ रोड चलती ही, तो देख लेते हैं। नहीं जिप्सी तो जा दिया, सफारी वाली गाड़ी तो जा ही दी है आगे को। अच्छा बस के चक्कर से रोका यार, धनगढ़ी गेट यहाँ से मात्र 21 किलोमीटर है, टाइगर की फेवरेट प्लेस है। एक तो रिस्की इलाका ना, जाने नहीं देते, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ गए। चलो तो ये सब देखो, अब निकल गए। अरे यार बस आ गई ना आगे से, आप देख सकते हैं अभी जो आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे शाम के समय घूमते हुए, ये शाम को 7 बजे के बाद कोई नहीं दिखता इस रोड में, सुनसान हो जाती है रोड, क्योंकि जानवरों को ना खतरा रहता है, क्योंकि कभी भी कोई जानवर आ ही जाता है। देख सकते हो आप पूरा जंगल ही जंगल है ये, बट यहाँ पे भी हम कॉलेज के यहाँ पे आ चुके हैं, और जाएंगे हम आज डिकाला वाले जोन पे जहाँ पे बाघों का बहुत अटैक होता है, और जो आस पड़ोस के जो गाँव वाले हैं इलाके में ना, जहाँ पर उनकी दुकानें हैं थोड़ा, उनको बहुत दिक्कत हो चुकी है उन इलाके में, क्योंकि जानवर दिन पर दिन अटैक करते जाता है। तो उनसे आज हम पूछताछ भी करेंगे, और पूछेंगे उनसे भैया क्या क्या होता है, क्या तुम वो लोग तो उनका ना डेली का उनका वहीं पे रहना है सब कुछ, उनका रोज़गार वहीं है, तो उसी लोकेशन में हम आज जाएंगे और पूछताछ करेंगे। बाकी आप देख सकते हो G20 जब सम्मेलन हुआ था, कितना रामनगर कितना प्यारा लग रहा है, कितना चमका दिया रामनगर ये इतनी बीच में। अभी जब मैं इससे पहले 1 महीने पहले आया था, बट यहाँ पर उस समय इतना कुछ नहीं था, बट आज आप देख सकते हो। और जानवरों का है ना, तो यहीं से अंदर को जाएंगे हम, सीधे अंदर को चलते हैं बढ़िया करके देख के आते हैं एक बार। फाइनली आप देख सकते हो हम चल चुके हैं, और आपने देखा होगा टोपी वोपी हमने सब पहन लिया, क्योंकि जंगल सफारी जब करते हैं ना तो कैप वैप पहनाते हैं, क्योंकि जब हम लोग सफारी कर रहे हैं अंदर जा चुके हैं ना, तो उसके बाद लोगों को पता होना चाहिए कि कौन ये सफारी वाले हैं, कौन लोकल वाले हैं, क्योंकि उधर के भी आते रहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर से ये रोड है, अब यहीं से हम आगे को जाएंगे। और हम तो हल्की चलेंगे, हमने तो जानवर ही देखने हैं, 35 की स्पीड में है। तुम कहो तो हम 10 ही स्पीड में चलेंगे, पर जानवर देखने चाहिए। हाँ जानवर देखेंगे भैया, जंगल आने का टाइम हो गया, टाइम भी तो हो गया, 6 बज गया भाई। गाइस देख सकते हो गर्जिया मंदिर
चार किलोमीटर बचा है, जो आप वहाँ से भी मोहान भी लग जाता थोड़ा सा आगे जाके। गर्जिया में तो भाई हाथियों का ज्यादा खौफ है। हाँ, उनके बीच में भी कहने थे अटैक हुआ है हाथियों का। हाथियाँ भी बहुत है भाई उस रोड में, तो हाथी भी बहुत है, वो भी रोड डेंजरस ही है भाई, टेंशन नहीं है भाई वहाँ। आतंक चल रहा रात दिन, गर्जिया में दुकानें सारी तोड़ दी हैं यार, बताओ। अरे यार यहाँ से भी मेरे ख्याल से रामनगर स्टार्ट होते भी खतरनाक ही है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था मामला। यहाँ पे तो जैसे हम आगे को चल गए ना, आगे जाके मतलब बड़ा खतरनाक एरिया हो जाता है, क्योंकि आगे जो है फिर गर्जा वाला एरिया आता है, वहाँ मतलब पूरा हाथी का है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे हम सुंदरलाल मोहान, तो वहाँ टाइगर का है। टाइगर भैया पूरा हम डेंजरस वाले एरिया में जाने का। तस्कर हाथी था, उसका क्या, कौन सा एरिया था? वही आगे मोहान में, गर्जा से आगे तस्कर हाथी का एरिया। गर्जा से आगे मोहान वाले में जाएंगे ना, वहाँ उससे भी आगे देख सकते हैं। रामनगर ना जानवरों ने घेर रखा है, कभी कोई कहीं पे। हम भाई हम उनके इलाके में जा रहे हैं, वो तो उनका ही घर है, ये तो है। उनका जानवर है, हम उनके इलाके में घूम रहे हैं, पता है। कुछ कुछ एरिया है इनका है। अरे पूरा एरिया भाई, टेरिटरी है, तो लोग यहाँ बस गए हैं, लोगों का थोड़ा है यहाँ। अब मोहान में जो है वो लोग, वहाँ तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट हो गया भैया, तभी तो वहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं है लोगों पर। ये गाड़ी में भी जाते हैं क्या? हाँ, ये वहीं की तो है। अच्छा डिकाला देखो गाइस, देखा होगा आपने डिकाला गेट वाला, यही सबसे ज्यादा। कितने गेट है यहाँ पे टोटल? एक हाथी आती तो देखी जाते हैं गाइस, देख सकते हो हाथी तो दिखने लग गया। तो हाथी सामने, हाथी दिख तो गया सामने, देखो गाइस दिख गया, देखो सामने है हाथी। नहीं नहीं पालतू है हाथी, तो एक बार देखे हाथी गाइस, देखो यार हाथी, ये हाथी यहाँ पे, अबे अब तो हाथी खड़ा है वो, देखो सामने हमारे हाथी है यार, खतरनाक। अरे ये तो पालतू हाथी है, हाथी में बैठ कर सवारी कराते हैं। देखो यार चलते हैं आगे को, देखते हैं हाथी, ये हाथी 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 सोचा नहीं था हाथी इतना बड़ा होता है। आज ही देख रहा हूँ ना हाथी, ये देख सकते हो यार हाथी, इतना बड़ा हाथी है। तो यहाँ पे से देखते हैं भी हम, थोड़ा देखो बेटा, इधर देखो बेटा, इसका मुंह देखो यार कितना बड़ा है, बाप रे। कान देखो गाइस हाथी के, और पैर देखो यार ये, जब हमने ब्लॉग बनाया था उस समय हाथी के पंजे देखे थे यार, अब देखो ये पीछे से देखो हाथी, ये बाप रे कितना खतरनाक लग रहा है यार ये हाथी। ये तो बढ़िया सफारी करते हैं अपना। हाथी चले गया रामनगर की बाजार में, ये अभी यहाँ पे सफारी करा देना हाथी की सफारी। हाथी 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 ये देख सकते हो यार, बड़े इतने का दांत देखो यार, ये खुद दांत ही मुंह में डाल दिया देखो उसने जीप में। बच्चे को उतार देना भैया आराम से, देख सकते हो यार हाथी कैसे गंदा खा रहा, देखो आज फर्स्ट टाइम देख रहा है इतनी पास से। ये तो मेरे को लग रहा कहीं मार ही ना दे यार, पीछे को अटैक ना करे, देखो पैर बांध दिया उसका कहीं आगे को ना भागे करके, और भी पीछे से भी बात रखा देखो यार, देख सकते हो यार हाथी ये पूरा हाथ पैर बांध दिए इसके, कि भैया हमला ना करे ना, क्योंकि यार हाथी है भाई जानवर ही है, कोई भरोसा नहीं है। बट यार हाथी इतना बड़ा होता है, आज ही फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये, आप देख ये देख रहे हो इसकी, बाप जितनी उसकी हाइट है उतनी तो उसकी बाप रे, और भी खा कितने बढ़िया करके रहे ना, मज़ा आ गया मतलब है। इसका दांत यार छोटा नहीं दिख रहा, इसका काटा हो गया दांत, और उसके पैर देखो यार वो गाइस, उस दिन हम जो रुद्दू गए थे इतने बड़े पंजे तो थे यार, हैं सेम इतना बड़ा, ये खतरनाक यार देखो गाइस ये। तो इसको ले, इसी के ऊपर चले हम बैठ के, अब सफारी करने बढ़िया करके मजा आ जाएगा। हाँ हाँ लेट भी हो रही, देख लेते हैं वरना चल रहे हैं यार, अब हम चलते हैं अपना बढ़िया करके, क्योंकि ना आप लोगों ने देखा होगा यार हाथी तो नॉर्मल दिख ही गया था, यहाँ पे सफारी चल रही थी हाथी की, सफारी हाथी वाले भैया आ गए थे। बाकी अभी देखो सामने हमारे ऊँट भी है, आप देख लोगे वो सामने हमारे ऊँट दिख रहा है, इसे देख सकते हो यार आप, ऊँट भी दिख गया है। अभी पता नहीं हमें क्या क्या दिखते हैं इस जंगल के अंदर जाने के बाद, चलते हैं गाइस यहाँ से आगे तो दिखाऊंगा आप लोगों को हमें क्या क्या दिखता है, क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ बहुत आ रही है पीछे बैकग्राउंड में। तो अब यहीं से अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब गाड़ी में बैठते हैं बढ़िया करके और चलते हैं आगे को रामनगर की तरफ को, क्योंकि अभी हमने तो मोहान वाले एरिया में जाना ना, जहाँ पे अटैक हुआ है ज़्यादा, उसी एरिया में जाके हम लोगों से पूछताछ करेंगे और पता करते हैं जैसा भी होता है, आज देखते हमें क्या क्या दिखता है वहाँ। तो अभी हम सीधे चलते हैं आगे को, फाइनली हम चल चुके हैं आगे को, आपने देखा होगा हाथी कितना खतरनाक हो गया था। है रोशन भाई हाथी देखा तुमने? यार बड़ा डेंजरस था वो,
इलाका आने वाला है जहाँ पे हाथी होगा ना, बहुत आतंक मस्त है, क्योंकि जो गलजिया रूट आने वाला है करीबन अब 1 किलोमीटर ही बचा है यहाँ पे से, इसके बाद हम जाएंगे आगे। अभी तो वहाँ तो फालतू वाले थे ना, यहाँ देखेंगे आप जंगली वाले, यहाँ देखेगा जंगली वाला नहीं, क्योंकि यहाँ से जो है एरिया वही वाला स्टार्ट हो गया उन्हीं का। ये देखो गाइस, ये आगे देखो मंदिर, यहाँ पे से इलाका आगे को स्टार्ट हो गया, यहाँ पे से इसके बाद फिर पुल आता है वहीं पे से आगे को स्टार्ट हो गया वही, तभी तो मंदिर से आगे को। तो भाई देख सकते हो आप, यहाँ तो आते रहते हैं हाथी वाती, लोगों को बात कर रहा, दिख ही जाते हैं यहाँ को हाथी। ये देखो गाइस यहाँ पे से एक रास्ता, ये हम रामनगर को आ चुके हैं आज बहुत टाइम बाद, क्योंकि हमने आज देखना था ना मैनिटर टाइगर वाला। ये देखो नदी आ गई ना, नदी के पास उधर इलाका, हाँ और उतरना ही क्यों है यार, अपना गाड़ी में बैठे रहेंगे बढ़िया। मतलब लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दो ना, ये यहाँ पे मतलब बहुत खतरनाक एरिया है ना, मतलब टूरिस्टों को जो दिल्ली दिल्ली के आते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं होता कि भैया क्या करना है। तो भाई कभी भी आओ ना गाड़ी से मत उतरना 6 बजे के बाद यार, फिर भी 6 बजे के बाद भी नहीं उतरना चाहिए। और वैसे भी अगर गाड़ी फोर व्हीलर में भी आ रहे हो तो मतलब ये है कि बार बार ना उतरो, गाड़ी के अंदर ही रहो, गाड़ी के अंदर से देखो जो भी एनिमल देखना है आपको। लेकिन बाहर कुछ लोग होते हैं पार्टी वार्टी करने उतर जाते हैं ना, वो गलत चीज है। बाहर से लोग यहाँ ये देख लो यहाँ कैसे दिख रहे, इसी जंगल में है, बाघ हो गया सभी है यहाँ। ये देखो दोनों तरफ जंगल है, टाइगर की खाली रिस्की है नहीं, ये देखो गाइस कैसे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टाइगर की फोटो लगी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गाड़ी से मत उतरना, ये देखो एक फोटो खींचने के चक्कर में, गाड़ी का नंबर देखो आप, यूपी देखो, यूपी ये देखो, एक खाली फोटो शूट के ये देखो, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये देखो लिखा भी है कि भैया मत उतरना यहाँ पे। और ये देखो हिरन, हिरन को जाने का भी देखो यहाँ पे, ये देखो हिरन भी क्रॉस करता है यहाँ पे से, कोई भी एनिमल आ सकता है, जंगल है क्योंकि यहाँ तगड़ा वाला जंगल स्टार्ट हो गया है। इन लोगों को देखो कैसा है, इन लोगों का वही पार होते ही खतरनाक जंगल स्टार्ट हो जाता है वो अपना बढ़िया करके, यहाँ को बस यही है। आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कहाँ पे रुक चुका हूँ। यहाँ पे देखो एक गलजिया मंदिर वाला रूट है, यहाँ पे देखो गलजिया मंदिर 1 किलोमीटर लिखा है, रानीखेत तो अलग है, और यहाँ पे से देखो डिकाला जो जोन है ना वो 36 किलोमीटर है। आज भी हम वहीं को जाएंगे आज, और आप देख सकते हो आगे कितना सुनसान जंगल है, ये कितना खतरनाक इलाका है देखो यार, ये देख सकते हो आप। और ये गलजिया मंदिर वाला रूट है, देखो अभी लोग कितने आ रहे हैं यहाँ से मंदिर से दर्शन करके ना, ये भैया मज्जा, ये देखो गाइस, ये पता नहीं अपना अंदर जंगलों के अंदर को जाने लग गए हैं। तो चलो चलते हैं यार गाइस, हम भी देख लेते हैं क्या है, क्या पता कुछ दिख जाए हमें जानवर वानवर ना, तो उसी चक्कर में हम चल रहे हैं। देख सकते हो आप कितना सुनसान इलाका है भैया, ये जंगलों में ना, इसी जंगलों में भैया टाइगर का इलाका है पूरा, ये सुनसान इलाका है टाइगर का, ये देखो आप, कभी भी कोई टाइगर ना अटैक कर सकता है। और इसके जस्ट पीछे वो देखो, आपको पीछे हमारे कोसी नदी भी दिख रही होगी, जो नदी है ना वहीं से पानी वानी जानवर पीने आता है अपना। और ये अब यहीं से ये देखो ट्रैक्टर में आ रखे हैं, ये देखो कितने लोग आ रखे हैं। और ये है देखो गलजिया मंदिर का रूट, और यहीं से आगे को ऊपर को ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है ना, तो मैंने कहा ऊपर को जाना रिस्की है, और यहाँ पे से क्या पता कोई भरोसा नहीं है कब जानवर आ जाएँ। भैया उस दिन पिछले बार ब्लॉग में आपने देखा होगा, एक बार जब हम जब आए थे यहाँ पर, चाचा ने कहा था झाड़ियों में छुपे रहता है, छोटी सी झाड़ियों में छुपे रहता है, कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए ना रिस्क नहीं लेना हुआ जानवरों से, क्योंकि कोई जानवरों का भरोसा नहीं है कब कहाँ पर अटैक कर दे। तो भाई यार आपको ब्लॉग जैसा भी लगा होगा ना बताना, क्योंकि आपने देखा होगा कितना खतरनाक हो गया था, मैंने आपको इतनी प्यारी लोकेशन दिखाई थी, देखो जंगल सामने हमारे, ये पूर्णागिरी वाला गलजिया मंदिर, सॉरी पूर्णागिरी जो याद आ रहा है, गलजिया मंदिर का रूट है। तो आपको ब्लॉग जैसा भी लगा होगा बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मिलते हैं इसी ब्लॉग में नेक्स्ट, अभी के लिए बाय।